नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपको दुनिया की 9 सबसे रहस्यमयी गुफाओं के बारे में बताने जा रहे हैं। उन गुफाओं के बारे में जहां अंधेरा ही अंधेरा है, रहस्य ही रहस्य है, जिनके बारे में जानकार आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं इस रहस्यमयी सफर को, लेकिन एक चेतावनी, अकेले मत देखना। दोस्तों, सबसे पहले हम चलते हैं दुनिया की सबसे गहरी और रहस्यमय गुफाओं में से एक, हिस्टोरिकल आशी मंक केव्स। कहते हैं कि ये गुफा इतनी गहरी है कि आज तक कोई इसकी थाह नहीं ले पाया। यहाँ के लोग तो इसे शैतानी गुफा भी कहते हैं, क्योंकि कहते हैं कि यहाँ रात को अजीबोगरीब आवाजें आती हैं। कहानी ऐसी है कि बहुत समय पहले कुछ साधु इस गुफा में तपस्या करने आए थे, लेकिन फिर वो साधु अचानक गायब हो गए। कुछ लोगों का मानना है कि वो साधु इसी गुफा में समाधि ले लिए, तो कुछ कहते हैं कि शायद उन्हें किसी और दुनिया का रास्ता मिल गया। कई खोजकर्ता इस गुफा में उतरे, लेकिन आज तक कोई वापस नहीं आया। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने गुफा के अंदर अजीबोगरीब जीव देखे, तो कुछ कहते हैं कि उन्होंने ऐसी आवाजें सुनी जो इंसानों की नहीं हो सकती। इस गुफा में ऐसा क्या है? क्या वाकई में ये गुफा किसी और दुनिया का दरवाजा है? क्या यहाँ पर सचमुच में भूतों का वास है? ये सवाल अभी भी रहस्य बने हुए हैं, लेकिन एक बात तो तय है, इस गुफा की गहराइयों में कुछ तो राज छुपा है, कुछ ऐसा जो हमें सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या वाकई में हम इस दुनिया में अकेले हैं। तो दोस्तों, क्या आप इस रहस्यमयी गुफा में जाने की हिम्मत करेंगे? हमें कमेंट में जरूर बताएं। अब हम चलते हैं मेक्सिको, जहां समुद्र के नीचे छुपी है एक और रहस्यमयी गुफा, सी केव ऑफ मेक्सिको। इस गुफा की खास बात यह है कि यह पानी में डूबी हुई है। यहां तक पहुंचने के लिए आपको गोताखोरी करनी पड़ेगी, लेकिन सावधान, क्योंकि यहां खतरा हर कदम पर है। कहते हैं कि यह गुफा कभी माया सभ्यता के लोगों का घर हुआ करती थी। गुफा के अंदर आपको मिलेंगे प्राचीन मंदिर, रहस्यमयी मूर्तियां और दीवारों पर उकेरे गए अजीबोगरीब चित्र। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इस गुफा का एक कमरा, जहां एक विशाल क्रिस्टल रखा हुआ है। कहा जाता है कि यह क्रिस्टल माया सभ्यता के लोगों के लिए पूजा का स्थान था, और इसमें जादुई शक्तियां हैं। कुछ लोगों का मानना है कि इस क्रिस्टल की वजह से ही माया सभ्यता का अंत हुआ। कहते हैं कि इस क्रिस्टल में इतनी शक्ति थी कि यह प्राकृतिक आपदाएं ला सकता था। क्या यह सच है? क्या वाकई में इस क्रिस्टल में इतनी शक्ति है? और अगर हां, तो क्या इसका इस्तेमाल दोबारा हो सकता है? इन सवालों के जवाब अभी भी इस गुफा की गहराइयों में छुपे हुए हैं। लेकिन एक बात तो तय है, सी केव ऑफ मेक्सिको अपने अंदर कई राज समेटे हुए है। दोस्तों, अब बारी है अपने भारत की। बिहार में एक ऐसी जगह है जिसे लोग मिस्टीरियस प्लेस ऑफ बिहार के नाम से जानते हैं। यहां एक गुफा है जिसके बारे में कहा जाता है कि यह गुफा पांडवों के समय की है। इस गुफा में जाने का रास्ता बहुत ही कठिन है। कहते हैं कि इस गुफा के रास्ते में कई तरह के जाल बिछे हुए हैं, और अगर आप थोड़ी सी भी गलती करते हैं तो आप फंस सकते हैं। लेकिन जो लोग इस गुफा के अंदर जाने में कामयाब हो पाए, उन्होंने बताया कि अंदर का नजारा बहुत ही अद्भुत है। उन्होंने बताया कि गुफा के अंदर एक झील है जिसमें हजारों साल पुराना पानी है। कहते हैं कि इस पानी में नहाने से कई बीमारियां ठीक हो जाती हैं। लेकिन इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है यहां मिलने वाली एक मूर्ति। ये मूर्ति किसकी है, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि यह मूर्ति किसी देवी देवता की है, तो कुछ कहते हैं कि यह किसी प्राचीन राजा की है। लेकिन एक बात तो तय है, मिस्टीरियस प्लेस ऑफ बिहार अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। और अब कहानी का अगला पड़ाव, यहां की प्राचीन कला और रहस्यों को अक्सर गलत समझा गया है। चलो चलते हैं स्पेन, जहां मौजूद है स्पेन्स एंशिएंट आर्ट केव। इस गुफा की दीवारों पर बनी हुई हैं हजारों साल पुरानी कलाकृतियां। ये कलाकृतियां इतनी जिंदा और असली लगती हैं कि जैसे कल ही बनाई गई हो। लेकिन इन कलाकृतियों का रहस्य ये है कि इन्हें किसने बनाया, ये आज तक कोई नहीं जानता। कुछ लोग कहते हैं कि इन्हें आदिमानवों ने बनाया था, तो कुछ कहते हैं कि इन्हें एलियंस ने बनाया था। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इन कलाकृतियों का मतलब। ये कलाकृतियां क्या दर्शाती हैं, ये आज तक कोई नहीं समझ पाया है। कुछ लोग कहते हैं कि ये कलाकृतियां उस समय के जीवन को दर्शाती हैं, तो कुछ कहते हैं कि ये धार्मिक मान्यताओं को दर्शाती है। लेकिन एक बात तो तय है, स्पेन्स एंशिएंट आर्ट केव अपने अंदर कई राज छुपाए हुए हैं। अगला रहस्य
इस गुफा का छुपा हुआ प्रवेश द्वार और अनछुए रहस्य इसे खास बनाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं फ्रांस, जहां मौजूद है सेंट मार्सल केव। इस गुफा की खास बात यह है कि इसका प्रवेश द्वार बहुत ही छुपा हुआ है। कहते हैं कि इस गुफा को गलती से एक चरवाहे ने ढूंढ निकाला था। इस गुफा के अंदर आपको मिलेंगे खूबसूरत झरने, चमकदार पत्थर और अजीबोगरीब आकार की चट्टानें। लेकिन इस गुफा का सबसे बड़ा रहस्य है यहां मिलने वाले कंकाल। कहते हैं कि ये कंकाल उन लोगों के हैं जो इस गुफा में खो गए थे। लेकिन सबसे अजीब बात यह है कि इन कंकालों पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं है। तो फिर इन लोगों की मौत कैसे हुई? ये सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। कुछ लोग कहते हैं कि इस गुफा में किसी अलौकिक शक्ति का वास है जो लोगों को अपनी तरफ खींच लेती है। लेकिन एक बात तो तय है, सेंट मार्सल केव अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। आगे बढ़ते हैं, यहां मिले सिक्के प्राचीन इतिहास को उजागर करते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं इजराइल, जहां डेड सी के पास स्थित है डेड सी मिस्ट्री केव। इस गुफा में खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को मिले थे हजारों साल पुराने सिक्के। ये सिक्के उस समय के रोमन साम्राज्य के हैं। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये सिक्के इस गुफा में कैसे पहुंचे। कहते हैं कि उस समय इस इलाके में कोई बस्ती नहीं थी, तो फिर ये सिक्के यहां कैसे आए? कुछ लोग कहते हैं कि ये सिक्के उस समय के यात्रियों के थे जो डेड सी के रास्ते सफर कर रहे थे। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये सिक्के किसी खजाने का हिस्सा थे जिसे यहां छुपाया गया था। लेकिन एक बात तो तय है, डेड सी मिस्ट्री केव अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। अगला पड़ाव सिल्कन्स मैजिकल केव। ये गुफा एक अनदेखी छुपी हुई दुनिया को समेटे हुए है। दोस्तों, अब हम चलते हैं बुल्गारिया, जहां स्थित है सिल्कन्स मैजिकल केव। इस गुफा की खास बात यह है कि ये एकदम अलग दुनिया की तरह लगती है। गुफा के अंदर आपको मिलेंगे रंग बिरंगे पत्थर, अजीबोगरीब आकार की चट्टानें और चमकदार झीलें। कहते हैं कि इस गुफा में परियों का वास है। स्थानीय लोग बताते हैं कि रात को यहां अजीबोगरीब रोशनी दिखाई देती है और संगीत की आवाजें सुनाई देती है। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य है इस गुफा का एक रास्ता, जो कहते हैं कि किसी और दुनिया में जाता है। कुछ लोग कहते हैं कि उन्होंने इस रास्ते से गुजरकर एक ऐसी दुनिया देखी है जो हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। क्या यह सच है? क्या वाकई में सिल्कन्स मैजिकल केव किसी और दुनिया का दरवाजा है? ये सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। अब देखते हैं चाइनाज रेनबो केव। इस गुफा के अद्भुत रंग और अनोखे दृश्य इसे खास बनाते हैं। दोस्तों, अब हम चलते हैं चीन, जहां मौजूद है चाइनाज रेनबो केव। इस गुफा की खास बात यह है कि यहां की चट्टानें इंद्रधनुष की तरह रंग बिरंगी हैं। ये रंग इतने जिंदा और चमकदार हैं कि लगता है जैसे किसी ने पेंट किया हो। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि ये रंग आए कहां से। वैज्ञानिकों का कहना है कि ये रंग खनिज पदार्थों की वजह से है। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि ये रंग किसी अलौकिक शक्ति का काम है। कहते हैं कि इस गुफा में एक खास तरह की ऊर्जा है जो लोगों को शांत और सुखद एहसास कराती है। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं कि इस गुफा में आने से उनकी बीमारियां भी ठीक हो गईं। क्या ये सच है? क्या वाकई में चाइनाज रेनबो केव में इतनी शक्ति है? ये सवाल अभी भी रहस्य बना हुआ है। आखिरी पड़ाव द हिडन सिटी ऑफ पेट्रा। इस प्राचीन शहर को पहाड़ों को तराश कर बनाया गया था, लेकिन इसका अचानक पतन एक रहस्य बना हुआ है। दोस्तों, अब हम चलते हैं जॉर्डन, जहां रेगिस्तान के बीचों बीच छुपा है एक खोया हुआ शहर द हिडन सिटी ऑफ पेट्रा। इस शहर को पहाड़ों को तराश कर बनाया गया था। कल्पना करो, इतने विशाल पहाड़ों को काटकर घर, मंदिर और मकबरे बनाना कितना मुश्किल रहा होगा। लेकिन सबसे बड़ा रहस्य ये है कि इतना भव्य शहर अचानक खाली कैसे हो गया? कौन थे ये लोग जो यहां रहते थे और कहां चले गए? कुछ लोग कहते हैं कि प्राकृतिक आपदा की वजह से यह शहर खाली हुआ, तो कुछ कहते हैं कि किसी युद्ध की वजह से लोगों को यह शहर छोड़कर भागना पड़ा। लेकिन एक बात तो तय है, द हिडन सिटी ऑफ पेट्रा अपने अंदर कई राज छुपाए हुए है। बस दोस्तों, तो दोस्तों, ये थी दुनिया की 9 सबसे रहस्यमयी गुफाएं। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आप इन रहस्यमयी जगहों के बारे में और जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाला बटन जरूर दबा दें, ताकि आपको हमारे आने वाले सारे वीडियोज की नोटिफिकेशन मिलती रहे।
अगली बार मिलेंगे एक नए रहस्य के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।